नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान। आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। लॉकडाउन होने की वजह से कई परिवार ऐसे हैं जो भूख से परेशान हैं। ना ही उनके पास राशन है और ना ही उनके पास पैसा है, मगर अब ऐसे में वो क्या करें? मुमरा कलवा के आमदार व कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड की तरफ से मुमरा शहर में करीब 4000 लोगों के लिए खाना बनाकर भेजा जा रहा है। ये खाना TMC के कर्मचारी धनंजय गोसावी ने बताया। रेती बंदर, पाटिलवाड़ी, सिद्धार्थ नगर, गुजरात कॉलोनी, एकता नगर, भोलेनाथ नगर, देवरीपाड़ा, चन्नीपाड़ा के अलावा ऐसे भी कई इलाके हैं जहां ये खाना पहुंचाया जा रहा है। खाने में दाल, चावल, सब्जी, सलाद लोगों को लाइन लगाकर दिया गया। आपको बता दें, ये खाना संघर्ष महिला संगठन और कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड की तरफ से हर रोज बांटा जा रहा है। वहीं NCP के कलवा मुमरा अध्यक्ष शमीम खान ने बताया कि कैबिनेट मंत्री जितेंद्र अवार्ड के तरफ से लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए मुमरा शहर में कई सेंटर 1 से 2 दिनों में खोले जाएंगे, जहां खाना बनाया जाएगा और ये खाना शहर में करीब 5 लाख लोगों तक पहुंचाया जाएगा। जिस तरह से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, एक तरफ जहां कोरोना वायरस से संक्रमण की संख्या बढ़ते ही जा रही है, दूसरे तरफ लोग भूख से बेहाल हैं। मगर अब जितेंद्र अवार्ड और महिला संघर्ष की तरफ से लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है। TMC कर्मचारी धनंजय गोसावी ने क्या कहा है? गोसावी सर, कितने लोगों तक ये खाना जो है पहुंचाया जा रहा है? ये खाना टोटल आज का टारगेट है अपना 3700 लोगों। किस किस एरिए में मुमरा के पहुँचाया जा रहा है? पहला रीति बंदर, वागरीपाड़ा स्टेशन के बाजू वाली पाटिलवाड़ी, फिर सिद्धार्थ नगर, बंजरपाड़ा, गुजराती कॉलोनी, चिंदी वाली गली और संजय नगर का ऊपर का गावदेव का पोर्शन, एकता नगर, सैनिक नगर, ये भोलानाथ नगर, उधर का देवरीपाड़ा, पहला जो बैठा देवरीपाड़ा, आंबेपाड़ा, चरनीपाड़ा और अमीनाबाद और इंशानगर का कुछ पोर्शन। खाने में क्या क्या चीज़ दिया जा रहा है? दाल है, चावल है, दाल चावल, सैलड है और सब्जी, चार चीज़, एक दाल, सब्जी, चावल और सैलड। तो जब तक ये कर्फ्यू लॉकडाउन रहेगा, क्या ठाणे महानगर पालिका की तरफ से ये खाना जो है लोगों को ये जाएगा? अपने आमदार साहब है, मंत्री जितेंद्र अवार्ड साहब, उन्होंने खाना कल भी 4000 प्लेट भेजा था और आज मैं बोला उनको कि दूसरे लोगों ने कई बांटा है, इसके लिए मैं बोला 500 प्लेट आज कम कर, तो ये गाड़ी आ गई अलग से, तो ऐसा मिला कि फिर आज भी 4000 प्लेट हो जाए और लोग आराम से लाइन से ले रहे हैं। तो बाबाजी पाटिलवाड़ी में तो कितना अच्छा लोगों ने ये खाना। TMC के तरफ से है या आमदार के? नहीं, वो संघर्ष ग्रुप है ना उनका और सबका, उन्होंने दिए खाने का, तो TMC को भी हमको भी लगाने का था, मगर बाहर के लोगों ने इतना दान करना चालू किया है कि बहुत खाना आ रहा है। मुमरा शहर में जिस तरह से देखा जा रहा है, कुछ सामाजिक संस्था भी है जो लोगों तक खाना पहुंचा रही है और इसी वजह से अब लोग थोड़ा राहत की सांस भी ले रहे हैं। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।